प्रांतीय मुस्लिम तेली पंचायत द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ में सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा दिए गए मुस्लिम ओबीसी आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने तथा उसके आधार पर राज्य में सामाजिक न्याय व मुसलमान जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में प्राप्त आरक्षण की समीक्षा कर निष्कासित करने की प्रस्तावित योजना का समर्थ मुसलमान संगठनों ने घोर नाराजगी व्यक्त की। सभा के अध्यक्ष अब्दुल तलीफ आर्को ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार का मुसलमानों के प्रति दोहरा व्यवहार है। आर्को ने कहा कि ये कैसा भाजपा का चरित्र का प्रधानमंत्री पसमांदा मुसलमान के बयानों के जरिए बात करते हैं ताकि चुनाव में फायदा लें, जबकि राज्य सरकार उन्हीं पसमांदा को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से भी वंचित करना चाहती है। सम्मेलन में ये तय हो गया था कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में अधिसूचित मुसलमानों को आरक्षण से वंचित किया तो संपूर्ण मुस्लिम समुदाय इसका कड़ा विरोध करेगा। आए हैं प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आर्को साहब के साथ। हम बात करेंगे जो सीएम श्री भजन लाल जी ने लखनऊ के अंदर मुसलमानों के ओबीसी आरक्षण को लेकर समीक्षा के लिए बयान दिया है, उस पर डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में उन्होंने कहा है कि हम भी यहाँ पर समीक्षा कराएंगे, तो आखिर सीएम की मंशा क्या है और क्या सोचते हैं मुस्लिम संगठन। जी आर्को साहब आप बताएं। देखिए, तमाम मुसलमानों में मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद ज़बरदस्त गुस्सा है इस बात को लेकर कि वो हमारी समीक्षा करने की बात कह रहे हैं कि हम ओबीसी की समीक्षा करेंगे, जबकि हमें कोई मुस्लिम होने के नाते ये रिजर्वेशन मिला हुआ नहीं, बल्कि हमें पिछड़ा होने के नाते और पूरा हमारी समीक्षा होने के बाद कि ये समाज पिछड़ा है तब जाकर के हमें रिजर्वेशन मिला है, और आज वो फिर इस पे समीक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए सारे समाज में ज़बरदस्त रोष है। एक तरफ ये समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ करने की बातें कर रहे हैं, उनसे बड़ा फायदे की बातें बता रहे हैं, मैं उनके लिए ये करूँगा वो करूँगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि अति पिछड़े के नाम पर हम तो खुद इस वक्त अति पिछड़े हो गए, हम इतने पिछड़े हो गए हैं, पिछड़े ही अब तो अति पिछड़े हो गए हैं। गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था सेक्शन कमेटी के, उस पर उस सर्वे में भी आया था कि हम पिछड़ों के भी पिछड़े हो चुके हैं, उसके आधार पर सारी समाज जितनों को भी मिली है वो पिछड़े होने के उस पर मिली है, ना कि मुसलमान होने के ऊपर। अगर गवर्नमेंट ये समीक्षा कराती है तो फिर अगला कदम क्या रहेगा सामाजिक संगठनों का, मुस्लिम संगठनों का? हमारा अगला कदम ये रहेगा कि हम पूरे राजस्थान लेवल पर इसके खिलाफ आवाज़ खड़ी करेंगे, एजिटेशन करेंगे, जो हमें संविधान ने राइट्स दे रखे हैं उसके मुताबिक हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर अगर ऐसा रहा तो हमें लीगल कार्रवाई में भी पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन हम किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे ओबीसी के अंदर जो हमें रिजर्वेशन मिला हुआ है इसे किसी भी नाम पर किसी भी तरीके से ये ख़त्म करना चाहते हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।